तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गौशाला देखने के लिए। गौशाला यहाँ की बहुत फेमस है, सारी गाय जो है यहीं पे रहती है उनकी, हमारे उत्तर प्रदेश सीएम साहब की। एक घंटा से घूम रहे हैं हम लोग, बेचारे लोग थक चुके हैं। देखो हाय बोलो, हाय। फाइनली गाइस हम लोग गौशाला में आ चुके हैं, यहाँ पे रहती है सारी गाय। आपको दिखा दें यहाँ पे, ये उनके चारा खाने की जगह है यहाँ पे, देख लीजिए। वीडियो के साथ बने रहिए। बता दिए कहाँ पे गौशाला, ये है ना। इतना साफ तो हमारा घर भी नहीं रहता है जितना साफ यहाँ का गौशाला दिखाई दे रहा है। देख लीजिए कितनी सफाई है गौशाले में। ये गौशाला का खाना मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, भूसा है ये, देख लीजिए। यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग, ये भी चारा रखाया हुआ है यहाँ पे। देखिए फ्रंट से आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए महायोगी गुरु गोरखनाथ गौ सेवा केंद्र, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। सामने सूरज जी महाराज है, उनकी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगी वीडियो में, फिर भी आपको दिखा ही देते हैं। इतनी मेहनत करके हम आए थे यहाँ पे, जरूर दिखाएंगे आपको। तो ये यही है नया वाला मेरे ख्याल से, देख लीजिए यहाँ पे एक एक करके दिखा रहे हैं। सारी गाय माता यहीं पर रहती हैं। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश सीएम जी योगी जी महाराज का प्यार, देखिए इनकी साथ। अरे बाप रे, देखिए कितने कलर में है सारी गाय, इस छाव स्थान में रह रही हैं यहाँ पे, और लगातार यहाँ पे काम करने वाले सफाई अभियान में जुटे रहते हैं। यहाँ पे उनको खाना देना, उनकी सफाई करना, कितनी गाय चमक रही हैं आपकी, बेचारी कितनी सीधी है ये। तब देख लीजिए ये लोग भी आ गए घूमने के लिए यहाँ पे, सीबा है और गोलू है, ये लोग स्पेशली आए थे गौशाला घूमने के लिए। तो ये लोग पहले भी यहाँ पे घूम चुके थे योगी जी महाराज, देखिए ये सीबा के पीछे। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, वो मारे गए। देखिए बहुत प्यार करती है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। कितना बड़ा गौशाला केंद्र है, देखिए यहाँ पे टाली पे रखा हुआ गोबर भी है इनका, ये जा रहा है गोबर कहीं काम पे। देखिए भाई साहब लेके आ भी रहे हैं, ये कितनी मेहनत, कितनी सफाई के साथ काम होता है यहाँ पे। हाय बोल दीजिए, हाय, कोई बात नहीं, आप दीजिए। देख लीजिए ये है हमारे, ये यहाँ के रहने वाले, आपका नाम? सलमान भाई। देखिए ये कहते हैं लोग कि यहाँ पे मुस्लिम कलाव नहीं थे, बेचारे काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कितना ज़्यादा जॉब अवेलेबल है मुसलमान भाइयों के लिए, इतना प्यार और मोहब्बत मिलता है इसी मंदिर से, और लोगों के दिल में क्या तक ख्याल रहता है। यही काम करने वाले सलमान भाई ये बताएंगे गौशाला के बारे में, तो यहाँ के बारे में कुछ खास बता सकते हैं आप? जो है आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ दिखाई दे रहा है हमको भी, ये नया गौशाला है ना, पुराना वाला उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और नया बनाया गया। नहीं जैसे अभी वहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा अच्छा है, तो थोड़ा बैरिंग हो रहा है, उसको बन चुका है, मगर कुछ दिन में गाय से अपना उधर भी चल जाएंगे, आधा इधर रहेंगी आधा उधर। अच्छा अच्छा, गाय की तादाद ज्यादा हो गई तो इसलिए यहाँ पे एक नया बनाया गया, ये हम लोग यहाँ पे, ये नया वाला है और वो पुराने वाला उसको बनाया जा रहा है फिर से, तो आधा उधर चली जाएगी जब बन जाने के बाद, और घूमेंगे फिरेंगे, पूरा स्पेस मिलेगा। बहुत बड़ा था मतलब क्राइटेरिया ना का, तो इसमें यहाँ पीछे गौशाला है, सामने उधर दिखाई दे रहा है मंदिर का क्षेत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, सलमान भाई के हाथ में अभी मतलब गंदगी लगी, खैर वो साफ कर लेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। हम लोग घूमते घूमते थक चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं आगे, कुछ और नया मिलेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग मंदिर के बैक साइड दिशा में है, और यहाँ पीछे है गौशाला रोड, वहाँ से हम लोग घूम के निकल के अब हम लोग सामने गेट की तरफ जा रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको घूम के कैसा लग रहा है यहाँ पे, और आप कमेंट करेंगे तो मुझे और भी मतलब बनाने में और अच्छा लगेगा वीडियो, ताकि ये पता तो चलेगा कि मेरी वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और व्लॉगिंग वीडियोस आपको कैसी लग रही है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं।